ओके, अब हमारे पास जो स्टार्ट हो गए ये आगे FIA के क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में FIA एक्ट के हवाले से, ठीक है। ये मैं आपको साथ साथ FIA एक्ट में से दिखाती जाऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है। हु इज़ इंडेमनीफाइड फ्रॉम सूट, प्रोसिक्यूशन और द अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इन एक्सरसाइजिंग पावर विच आर इन गुड फेथ एंड इन अकॉर्डेंस टू द FIA एक्ट गिवन अंडर द FIA एक्ट 1974। इसके ऑप्शंस हैं ऑल मेंबर्स, DGFIA, असिस्टेंट डायरेक्टर्स या नन। तो अगर हम इसका आर्टिकल 8 देखें तो आर्टिकल 8 जो है वो इंडेमनिटी से रिलेटेड है ऑफ दी FIA एक्ट के हवाले से जो है वो, नो सूट प्रोसिक्यूशन और दी अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट और दी रूल्स फॉर एनी थिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और रूल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल ऑफ द पर्सन आर इंडेमनीफाइड, ठीक है। तो ये हमने ऑल ऑफ मेंबर जो है वो यहाँ पर मार्क कर दिया। हु कैन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ FIA एक्ट 1974? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, फेडरल गवर्नमेंट जो है दैट इज़ ऑथोराइज टू मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ FIA एक्ट। तो आर्टिकल 9 भी हम लोग देख लेते हैं। पावर टू मेक रूल्स, द फेडरल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड मे बाई द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाई द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स, कौन है इसके लिए ऑथोराइज, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, अच्छा तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 86 में मार्क कर दिया ए ऑप्शन। पावर टू अमेंड द स्केड्यूल इज मैंशनड इन विच सेक्शन, पावर टू अमेंड दी शेड्यूल। तो ये आप देख लें, पावर टू अमेंड दी शेड्यूल आर्टिकल 6, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अमेंड दी शेड्यूल सो एज टू ऐड एनी एंट्री देयर टू और मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर इन, ठीक है। सेक्शन 6 में मेंशन किया हुआ है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। द FIA एक्ट 1974 कॉल द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन आता था, स्टेटमेंट पूछी हुई है। ये आर्टिकल 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर मे बी आएगा, ठीक है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इसके शॉर्ट टाइटल, इसका जो है कमेंसमेंट, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 1 ही इससे रेलिवेंट है। नेक्स्ट है जी, द एक्ट डैश द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अप्लाई टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन है, तो मैं आपको आर्टिकल में दिखा देती हूँ कि आर्टिकल की लैंग्वेज क्या है। जो सेक्शन 2 है इसमें आप देखें, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। इट एक्सटेंड्स टू, सही है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द PPC 1860। ये भी FIA एक्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 2 ई में। आर्टिकल 2 अगर आप देखें, आर्टिकल 2 का ई जो सेक्शन है दैट इज़ पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन द सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट ऑफ 1860, ठीक है। तो 21 इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड ऑन 1948, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है, एफ में। एफ में आप देखें, स्पेशल पुलिस मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 1948, ठीक हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट है जी, कोड इन द FIA एक्ट 1974 मीन्स। अब ये सेक्शन बी है, ठीक है, ये साथ साथ आप सेक्शंस भी देख लीजिएगा। बी कोड, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट 5 ऑफ 1898, सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट है जी, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी टू बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर जनरल को? तो आर्टिकल 3
जो इसका पार्ट टू है उसमें इसके बारे में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी दी थ्री का सेकेंड पार्ट, द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाई फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी. करेक्ट आंसर है बी, फेडरल गवर्नमेंट. द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट, प्रेजिडेंट या फेडरल गवर्नमेंट. तो आर्टिकल 4 का जो 1 सेक्शन है उसमें इसके बारे में लिखा गया है, सुपरिटेंडेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ, फेडरल गवर्नमेंट. द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट. ये भी आर्टिकल 4 लेकिन सेक्शन 2. सुपरिटेंडेंस का आर्टिकल जो है वो सेक्शन आर्टिकल 4 सेक्शन 1 है. द सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल, और आगे कंप्लीट आर्टिकल इसी तरह से. ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज डायरेक्टर जनरल. यहाँ पे गलती से मैंने फेडरल गवर्नमेंट मार्क कर दिए, ये डायरेक्टर जनरल है. ठीक है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ, अभी ये मैंने कंप्लीट आर्टिकल पढ़ा है, इंस्पेक्टर जनरल है. ठीक है, ऑलराइट, दिस इज आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 to D. ठीक है, लेट मी शो यू द आर्टिकल 9. ओके, हियर वी हैव आर्टिकल 9, पावर टू मेक द रूल्स, और इसका जो डी है, द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 विच शैल बी एक्सरसाइज बाय द डायरेक्टर जनरल. तो ये उससे रिलेवेंट था, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी शैल एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल. ठीक है, साथ साथ मैंने ये इसीलिए लिखे हुए थे कि मुझे याद रह जाए, लेकिन फिर भी बताने में कुछ गलती हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी. अच्छा, नेक्स्ट है जी, पब्लिक सर्वेंट मींस अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन दिस सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड - कौन से ईयर का है, 1860, आर्टिकल 2 सेक्शन ई जो है उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है. हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं. आर्टिकल 2 सेक्शन ई, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड ऑफ 1860. ठीक हो गया. ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस - इज रिपील्ड बाय द FIA एक्ट 1974. इसका ईयर जो है, कौन से ईयर का ऑर्डिनेंस जो है जिसको रिपील किया गया है एक्ट 1974 के अंडर, ये बताना था. आर्टिकल 2 एफ में इसके बारे में मेंशन है, लेट मी शो यू द आर्टिकल. ओके, दिस इज़ आर्टिकल 2 एफ, स्पेशल पुलिस मींस द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस 1948. नेक्स्ट है जी, स्पेशल persons मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन पर्सन्स ऑफ द आर्टिकल - ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड द प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962. तो इसका जो आर्टिकल है वो बताना था, दैट इज़ आर्टिकल 3 अकॉर्डिंग टू द 2G. 2G में आप देखें, स्पेसिफाइड persons मीन्स द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 3. ठीक है, आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन ऑर्डर 1962. ठीक हो गया, तो ये था जी हमारा पेपर. और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ सेक्शन 5A, पर्टेनिंग टू सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वाज एडिड थ्रू FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस. इसका आंसर जो है दैट इज़ 2002. ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो में कोई भी गलती हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो मुझे माफ़ मत कीजिएगा, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.